वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 11 मार्च और 11 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी हिस्ट्री सीरीज़ की वीडियोज़ को ज़रूर देखिए जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है विंग कमांडर अभिनंदन को। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन जो कि MiG-21 बायसन के पायलट हैं वो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता होंगे। और ये जो पुरस्कार है वो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति द्वारा स्थापित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 27 फरवरी को श्री वर्धमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 विमान को अपने सामने की लड़ाई में हवा से हवा मिसाइल से मार गिराया था। तो तब से अभिनंदन के शौर्य को सम्मान देने के लिए ये उनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं आपको बता दूँ उनको ये पुरस्कार 17 अप्रैल 2019 को प्रदान किया जाएगा और इसमें 51 लाख रुपए, ठीक है, 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि विंग कमांडर अभिनंदन को ये अवार्ड मिलेगा। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का पहला तेल संग्रहालय किस स्थान पर खोला जाएगा? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी किसी क्षेत्र में पहली बार कोई भी कार्य होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है गुवाहाटी, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत का पहला तेल संग्रहालय गुवाहाटी यानी कि असम राज्य में खोला जाएगा और इसका नाम KB मालवीय राष्ट्रीय तेल संग्रहालय होगा। और KB मालवीय राष्ट्रीय तेल संग्रहालय को भारत की हाइड्रोकार्बन उद्योग का जनक कहा जाता है। ठीक है, और असम राज्य पहला राज्य था जहां देश में पहली बार तेल की खोज और उत्पादन किया गया था। और इसमें देखिए सभी प्रमुख तेल और गैस कंपनियां जैसे ONGC, OIL, HPCL, BPCL और EIL संयुक्त रूप से इस संग्रहालय के लिए कार्य करेंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तेल संग्रहालय किस राज्य में खोला जा रहा है? असम में। ठीक है, तो असम के बारे में आपको पता होना चाहिए, असम जो राज्य है उसकी राजधानी है दिसपुर, वहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और इस राज्य की लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं, विधानसभा से 126 सीटें आती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की सीटों को अब ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, और इसी राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये भी इसी राज्य में ही है। ठीक है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार किस देश की महिला आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए 116 वर्ष की, ठीक है, 116 वर्ष की जापानी महिला जिनका नाम तनाका है, उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया है। उनका जन्म 2 जनवरी 1903 को हुआ था और इससे पहले सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का नाम जापान की ही एक अन्य महिला चियो मियाको के नाम था जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया था। ठीक है, तो अब उनके स्थान पर जो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति इस दुनिया में है वो है जापान की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जापान के बारे में बात करें, जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की PM है शिंजो अबे और वहाँ की मुद्रा है जापानी येन। राइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, भारत ने किस देश के साथ परमाणु संचालित पनडुब्बी के लिए $3 बिलियन का समझौता किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है रूस, ऑप्शन बी सही होगा। तो हाल ही में भारत ने 10 वर्ष की अवधि हेतु भारतीय नौसेना के लिए
परमाणु संचालित हमले वाली पनडुब्बी को पट्टी पर देने के लिए रूस के साथ $3 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस संधि के तहत रूस को वर्ष 2025 तक भारतीय नौसेना को अकोला श्रेणी की पनडुब्बी वितरित करनी होगी, जिसे चक्र थर्ड के रूप में जाना जाएगा, और ये भारतीय नौसेना की लीज पर दी जाने वाली तीसरी रूसी पनडुब्बी भी होगी। ठीक है, यहाँ पर रूस की बात की गई तो आपको इसकी राजधानी कम से कम पता होना चाहिए, इसकी राजधानी है मॉस्को। राइट, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है प्रियंका दुबे, ऑप्शन सी सही होगा। तो बीबीसी की द्विभाषी संवाददाता प्रियंका दुबे को वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है, और उन्हें बहुआयामी खोजी और पूछताछ संबंधी रिपोर्ट के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। मैं आपको बता दूं कि चमेली देवी जैन पुरस्कार पिछले 37 वर्षों से महिला पत्रकारों को निरंतर कार्य के माध्यम से उत्कृष्टता की मानकों को बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष यानी कि वर्ष 2018 के लिए इस वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये किसे दिया जा रहा है? प्रियंका दुबे को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वन दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बस स्टॉप और बसों का रियल टाइम लोकेशन भी इसमें मिलेगा, और जिसके माध्यम से यात्री आसानी से निकटतम बस स्टॉप, बसों की संख्या और रास्तों का पता लगा सकते हैं, और बस और मेट्रो मार्गों से संबंधित जानकारी के साथ ऐप को हर 45 मिनट में अपडेट भी किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे परिवहन की सुविधा को और अच्छी तरीके से बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवा श्री अर्पण योजना शुरू किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में युवा श्री अर्पण योजना शुरू की गई है, और इस योजना के तहत राज्य में कुल 50,000 युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और राज्य सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग इस योजना का वित्त पोषण करेगा। ठीक है, तो किस राज्य की बात की गई है? यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल राज्य की बात की गई, तो आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी, और पश्चिम बंगाल की लोकसभा से 42 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें, विधानसभा में कुल 294 सीटें आती हैं। और इस राज्य का अगर हम बात करें, स्वतंत्रता से पहले बंगाल विभाजन हुआ था, वो कब हुआ था? सन 1905 में। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी अंचल अमृत योजना शुरू की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री शहरी अंचल अमृत योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत राज्य के 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2,50,000 बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध मुफ्त में दिया जाएगा, और इस अमृत योजना के तहत राज्य भर में 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सुगंधित मीठा स्किन मिल्क पाउडर उपलब्ध भी कराया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी अंचल अमृत योजना, जो कि एक दूध से रिलेटेड यानी कि मुफ्त दूध देने की योजना है, वो शुरू की गई है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून, वहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्या, और इस राज्य की लोकसभा से 5 सीटें, राज्यसभा से 3 सीटें, विधानसभा में 71 सीटें आती हैं, और इस राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो है नैनीताल में। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य ने हाल ही में अटल आधार योजना शुरू की है? तो आज की वीडियो में काफ़ी योजनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही होगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की है, और इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपये में उनके कार्यस्थल पर पौष्टिक और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, और इस योजना को पायलट आधार पर राज्य के कुछ क्षेत्रों में पहले लागू किया जाएगा, और इसके बाद इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। ठीक है,
तो श्रमिकों के लिए एक तरह से उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है, अटल आधार योजना। तो किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और इस राज्य के जो सीएम है वो हैं देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव। इस राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यहाँ की लोकसभा से 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें आती हैं, और यहाँ की राजभाषा है मराठी, राइट। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है तमाशा और लावणी, और लोक कला का नाम है रंगोली, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस जिले के हस्तनिर्मित उत्पाद मरयूर गुड़ को भौगोलिक चिन्ह GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है इडुक्की जिला, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, इडुक्की जिले की पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पाद मरयूर गुड़ को केंद्र सरकार ने भौगोलिक चिन्ह GI टैग प्रदान किया है, और ये जो गुड़ है वो गन्ने से बनाया जाता है, और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इसमें कोई भी रसायन नहीं मिलाया जाता है, और ये सोडियम की कम मात्रा और अघुलनशील अशुद्धियों के साथ गहरे भूरे रंग का मिठास और आयरन की उच्च मात्रा का होता है। तो इडुक्की जिले के गुड़ को GI टैग प्राप्त हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये GI टैग एक ऐसे उत्पाद को मिलता है जो किसी विशिष्ट स्थान क्षेत्र में पाया जाता है और वहाँ की विशेषता होती है, ठीक है। तो ये GI टैग इडुक्की जिले को मिला है। आपसे अब कमेंट में हम एक क्वेश्चन करते हैं कि इडुक्की जिला किस राज्य का जिला है, बहुत ही फेमस जिला है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि इडुक्की जिला किस राज्य का जिला है, ठीक है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस देश ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारत, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है, और ये जो पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, और वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन दुनिया के प्रमुख पर्यटन व्यापार शुरू ITB बर्लिन में हुआ था, यानी कि जर्मनी में, राइट। तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ऑप्शन बी सही होगा। तो हाल ही में 9 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और इसके बाद 10 मार्च से इसको पूरे देश भर में संचालित किया गया, और देश भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देश के पोलियो उन्मूलन के लिए यादगार बनाने के लिए भारत सरकार के अभियान के तहत पल्स पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया, जो 10 मार्च 2019 को मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वर्ष 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी सही होगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए गोविंद प्रसाद शर्मा, ऑप्शन बी रमन श्रीवास्तव, ऑप्शन सी मुकेश जैन, या फिर अमन शर्मा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर की वीडियोज़ को देखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर जरूर कीजिए, और सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ, अगर आपने हिस्ट्री सीरीज से संबंधित धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज का वीडियो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जो कि हिस्ट्री की बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।